तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी को मनोज दे के बारे में बताने वाला हूं। मनोज दे ने सुबह सुबह अपने व्लॉग वाले चैनल पे एक वीडियो बना के अपलोड किया था। आप सभी ने देखा होगा, यूट्यूब पे एक सॉन्ग वायरल हुआ था, कच्चा बादाम। आप सभी ने भी वो सॉन्ग सुना होगा। तो जिसने वो सॉन्ग गाया था, मनोज ने अपना व्लॉग शूट करके उसके पास गए थे और 25,000 का चेक देके अपनी वीडियो बनाई अपने चैनल पर अपलोड करने के लिए, ताकि उसकी भी वीडियो वायरल हो जाए। चलो यहां तक ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने वीडियो बनाई कि उसकी वीडियो वायरल हो जाएगी, अपने माइंड में ये सोच के वो उनके पास गए थे, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उन्होंने 2-3 दिन पहले अपने मनोज दे वाले चैनल पे एक वीडियो बना के अपलोड किया था कि दुनिया बेईमान है, दुनिया क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं। जो कच्चा बादाम वाला सॉन्ग वायरल हुआ था, उसके पास जाके कोई मोबाइल देके अपनी वीडियो बना रहे हैं ताकि हमारी वीडियो भी वायरल हो जाए। आप सभी ने कुछ दिन पहले देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी, राजा ब्लॉग भी उनके पास गए थे और उनको कुछ 10 से 15 हजार तक का मोबाइल दिया, तो उन्होंने भी अपनी वीडियो वायरल कर ली। तो इस तरह से मनोज दे ने अपनी वीडियो में बोला था कि लोग ऐसा ऐसा करके अपना चैनल ग्रो कर रहे हैं। पर आज देखिए मनोज दे ने क्या किया। पहले तो लोगों के बारे में बेईमान बोल दिया सबको, अब खुद ही जाके उसके पास चेक देके अपनी वीडियो को वायरल करा रहे हैं कि उनकी वीडियो वायरल हो रही है तो मैं भी अपनी वीडियो वायरल करा लूं। तो मेरा इस वीडियो में ना तो मनोज दे को गलत बोलने का कोई वो है कि मैं मनोज दे को गलत बोलूं, मेरा कोई भी गलत बोलने का जो है वीडियो बनाने का मकसद नहीं है। मैं किसी को भी अपनी वीडियो में गलत नहीं बोलूंगा, किसी भी यूट्यूबर को मैं अपनी वीडियो में गलत नहीं बोलूंगा। बस मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि जब वो खुद उसके पास जा रहा है तो लोगों को बेईमान क्यों बोल रहा है, दुनिया को बेईमान क्यों बोल रहा है। तो मैं यही आपको क्लियर करने वाला था आज की वीडियो में। मैं आप सभी को एक और बात क्लियर करता हूं, यूट्यूब पे जो ऑडियंस है वो सच्चाई देखना पसंद नहीं करती। मैंने थोड़ा सा ये नोट किया बात, ऑडियंस सच्चाई वालों का बिल्कुल भी साथ नहीं देती। मैंने बहुत जो है ये नोट किया है। यहां तक अंशु मौर्य का टेक चैंपियन स्पोर्ट चैनल है, उसने भी अपनी वीडियो में ये बात बोली है कि सच्चाई को देखते नहीं है लोग। जो अपनी वीडियो में ऑडियंस को गलत इन्फॉर्मेशन देता है, ऑडियंस को गलत समझाता है कि ऐसे ना ऐसे करके करो, फिर भी ऑडियंस उसका साथ देती है, मेरे को ये बात नहीं समझ आती। तो मैं आपको यही क्लियर करने वाला था आज की वीडियो में कि मनोज दे ने ऐसे ऐसे करके बेईमान बोल दिया और आज खुद अपनी व्लॉग की वीडियो शूट करने के लिए वहां पहुंच गए। तो अगर मेरी वीडियो को कोई भी यूट्यूबर को बुरी लगी तो मैं सॉरी मांगता हूँ वीडियो में, पर मैं आप सभी को यही समझाने वाला था वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।